एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए और किस तरह से एक आयन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके लिए लगने वाला एक आयन नेल, कुछ स्टेपलर्स के पिन, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर और एक बैटरी एलिमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयन नेल है ना, इसको एक कोर मान के और ये जो वायर है बराबर, वायर का एक लेंथ एक जगह छोड़ देंगे, इतना लेंथ छोड़ दिया और इसके बाद से हम इसके ऊपर इसको वाइंड कर लेंगे। दिख रहा है कैसे मैं वाइंड कर रहा हूँ? इस तरह से आपको क्या करना है, इसको वाइंड करना है। तो वैसे वाइंड करने के बाद वायर आयन नेल पर हमने देख रहा है यहाँ पर एक ऐसे छोड़ दिया है और एक को ऐसे छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों एंड को बैटरी एलिमिनेटर, ये बैटरी एलिमिनेटर है ना, एक को इसके पॉजिटिव और एक को इसके नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके देख रहे हो, एक वायर के एंड को पॉजिटिव टर्मिनल में और एक वायर के एंड को नेगेटिव टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऑन कर दूंगा, आई विल स्विच ऑन दिस। तो व्हेन आई स्विच ऑन दिस, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये आप देखो स्टेपलर पिन्स को क्या होगा, जस्ट लुक एट देम, कैन सी दिस, ये देखो दिख रहा है, ये सब चिपक रहे हैं, ये देखो। तो इस तरह से ये क्या बन चुका है, एक मैग्नेट बन चुका है। ऐसे मैग्नेट को जो बनता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैन यू सी ऑल दिस? ओके, पावर स्विच ऑन करूँगा, वापस से इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। अभी भी थोड़ा है लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वायर हीट हो जाते हैं, तो थोड़ा आप केयरफुल रहो, आप इसको हाथ से टच मत करो, बैर हैंडेड टच मत करो, क्योंकि बहुत वायर हीट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये जैसे ये है अभी भी, ये इसको ये कर लेगा। ठीक है, ये छोटे वाले पिन जो हैं अभी भी पावर कम है उसका, लेकिन आराम से कर लेगा, दिख रहा है ना। वापस से मैं ऑन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ, ये देखो, कैन यू सी किस तरह से मैग्नेट बन गया, ये देखो, जस्ट सी, दिख रहा है। तो ये है एक एक्सपेरिमेंट जो डेमोंस्ट्रेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो इस तरह से ही आगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट में हम करने वाला चैप्टर, इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़, तो आगे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं।